ईडन गार्डन स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और यहाँ का कुछ नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। इस बारिश में यहाँ क्या बोलते हैं, पिच गीला हो चुका है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पिच पर। अभी तो पानी लगा हुआ है, दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ के दिखा रहे हैं, यहाँ से दिखाई, देखिए यहाँ से तो दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर हम आए हुए हैं, देखिए यहाँ। इसके बाद ये लास्ट है, इससे हम जाएंगे और तो बाहर चले जाएंगे। तो ये लास्ट कुर्सी है और कुर्सी नंबर हम आपको दिखा दे रहे हैं। कुर्सी नंबर कितना है ये देखिए, कुर्सी नंबर है ये 1973। 1973 कुर्सी नंबर है, लास्ट है इस बैच का, इस क्या बोलते हैं, इस केबिन का। और यहाँ पे देखिए बारिश हुई है यहाँ पे। यहाँ से देखने में भी आधा पिच दिखाई दे रहा है। यहाँ जो बैठता होगा उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, इसका तो पैसा ऐसा ही चला जाता होगा। इसमें लगभग 100-150 कुर्सियाँ ऊपर लगी हुई है, यानी लगभग यहाँ से 200-250 बैठने वाले को आधे पिच दिखाई दे रहा है। एक सिर्फ रनर दिखाई देगा, नहीं तो स्ट्राइक करने वाला दिखाई देगा। और नीचे से चल कर दिखाते हैं हम आपको कुछ नज़ारा। तो देखिए यहाँ से और ऊपर आए हुए हैं, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। और जो डिसीजन पेंडिंग वाला, देखिए यही स्क्रीन है जो डिसीजन पेंडिंग रहता है, दिखा रहे हैं। देखिए यही डिसीजन पेंडिंग बहुत बड़ा है, ये डिसीजन पेंडिंग वाला बहुत बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा है। तो दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है। ईडन गार्डन में इस देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ आदमी हैं। देखिए यहाँ लगभग 15-20 आदमी हैं। पांडे है, उसके पास राक्षस हो जाता ताकत है, वो तो मारता है 50 मीटर 100 मीटर का। अपना एमएस धोनी है, वो भी अच्छा खासा छक्का मारता, पूरा लंबा चौड़ा है। वैसे तो वेस्ट इंडीज का सही क्रिकेट देखते हैं कि बहुत मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जो नारायण थे, सुनील नारायण थे, वो तो लगभग 8 नंबर और 9 नंबर में आते थे। और यहाँ IPL में आने के बाद उनको गौतम गंभीर ने फर्स्ट ओपनिंग के लिए भेजते हैं और यहाँ पे IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो सुनील नारायण मार सकते हैं, वेस्ट इंडीज का है। और हमारे यहाँ के जो हार्दिक पांड्या हैं, हरभजन सिंह है, ये भी तो बहुत अच्छे हैं। और आजकल तो अश्विन भी अच्छा खेल रहे हैं। तो IPL देखते हैं, तो IPL का आप किस टीम का सपोर्ट करते हैं? हम अपने IPL में सपोर्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग को। बट क्या कि हम फैन हैं एम एस धोनी का। क्या कि यहाँ पे भारत में बहुत ज़्यादा मतलब आधा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैन उन्हीं का है, धोनी के चलते। जो धोनी जिस टीम में भी चले जाए, या सुपर किंग में हो, या किसी भी टीम में चला जाए, उसका फैन वहाँ चला जाता है। ऐसे तो कैप्टन कुल जो माने जाते हैं वो MS धोनी अपने
भारत में नहीं, आईपीएल में नहीं, बस बल्कि पूरे विश्व में बहुत अच्छे कैप्टन माने जाते हैं। तो कैप्टन कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे मतलब अपने हैंडल करते हैं अपनी टीम को? वो कहते हैं अपने टीम वालों को कि ताकि आप लोग को अपना अपना काम पता रहता, ताकि आपको कैसा रोल निभाना है, किस समय निभाना है, और उनको पता रहता है, उनको उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ताकि उनको पता रहता है कैसे किस बॉलर को किस जगह लाना चाहिए, किस बैटर को कैसे खिलाना चाहिए। पर मैंने से कुछ अनुभव मिलता है और समय मिलता है वहाँ पे, पूरा अनुभव मिलता है उनको फील्डिंग करने का, प्लेयर को अपने वहाँ सेटिंग करने का, पूरा प्लेयर देखते हैं अपना। इसलिए हमारे भारत का कैप्टन कूल पूरे विश्व में माने जाते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, टेस्ट हो, या किसी भी क्रिकेट खेल, माने जाते हैं। और वैसे विराट कोहली भी बढ़िया है, वैसे वो थोड़ा सा जिद्दी टाइप में है, जल्द गुस्सा आ जाता है ऐसा। वैसे भी मतलब वैसे ठीक है, वो आदमी अच्छा, बट वो क्या कि उसको ये लगता है ताकि गुस्सा थोड़ा जल्द हो जाता है, दो चार रन चला जाता है, एक्स्ट्रा चला जाता है, तो वो अपने प्लेयर पे थोड़ा सा नाराज होते हैं, बस इसलिए ताकि वो चीज़ गलती ना करे, वो हैंडल करे जो गलती होता है उनसे। ऐसा मतलब कि आगे अपना इंडिया का जो प्लेयर है उन सब में अब नंबर वन पे गिनती आता है, फिटनेस में भी सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसकी वजह से सबसे नंबर वन पे। अब देखिए पहले नंबर वन पे अपना इंग्लैंड है, उसके बाद से अपना भारत ही है दूसरे नंबर पे। अभी इंग्लैंड वालों फिटनेस में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले हैं विराट कोहली। विराट कोहली के पास सभी क्षेत्र से फिटनेस है, चाहे वो फील्डिंग करने का हो या इधर उधर दौड़ भाग करने का, सबसे ज़्यादा मतलब फिटनेस माना जाता है विराट कोहली का। हाँ, फिटनेस पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इसके लिए। ऐसा बताइए कि सुपर किंग्स के कूल कैप्टन, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब रिटायर हो जाएंगे यानी संन्यास ले लेंगे, तो उसके बाद आप किसको मतलब अगर बनना चाहेंगे तो किसको आप सपोर्ट करें, कौन सा प्लेयर बन सकता है चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन? चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन तो मेरे देखने के हिसाब से तो शेन वाटसन भी है, वो भी अनुभव है। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जितना लंबा हो सके जितना लंबा हो उसमें कैप्टन कूल ही रहे या चेन्नई सुपर किंग यही अच्छा रहेगा, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना अगर छोड़ देते हैं तो छोड़ दे, उसमें संन्यास ले ले, बट अपना वीवो आईपीएल जो है वो अपना खेलते रहे। हाँ, जब तक उनके पास उनके मतलब क्षमता खेलने की, उनके पास फिटनेस उनका बना रहता है, पचास साल की उम्र में भी उतना फिटनेस दिखाना बहुत बड़ी बात होती है भाई। उनका इस साल का वीवो आईपीएल का रिकॉर्ड देख लीजिए उनका। लेकिन जो मानते हैं कि आजकल जो कुछ लोग कहते हैं कि एम एस धोनी को संन्यास लेना चाहिए, तो उनका ये क्लियर है अच्छा या गलत है मामले में? संन्यास लेंगे वो तो खुद बोले दिए हैं, ताकि हम 2019 का वर्ल्ड कप खेल के मतलब हम संन्यास ले लेंगे। अब देखिए उनके जाने के बाद कौन आ सकता है, क्या राहुल आ सकते हैं या तो केदार जाधव आ सकते हैं, वो क्या दिनेश कार्तिक आ सकते हैं, और ऋषभ पंत भी अपना आ गया, बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली डेविलियर्स के लिए खेलता है, सबसे बढ़िया कीपर भी है अपना, बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर एक नंबर का है, और क्या राहुल तो इसे देखे भी है आप पूरे भी पूछना चाहेंगे कि जो हार्दिक पांड्या जो फ्लाई करके छलांग लगा जो कैच पकड़ते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखते हैं कि गेंदा काफ़ी दूर गिरता है और यहाँ से ऊपर ही ऊपर पकड़ लेते हैं, तो उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो देखते हैं कि ज़्यादातर कीपर करता है, और नहीं तो पुराने जो प्लेयर थे क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, और लेकिन यहाँ देखते हैं अपने भारत का हार्दिक पांड्या है, वो बहुत मतलब छलांग लगाकर गेंद को कैच करते हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? उनके पास कितना फिटनेस और क्या सोचते हैं भारत के? वो देखिए वो हार्दिक पांड्या जो है वो विराट कोहली के पूरे सपोर्ट में रहते हैं, और विराट कोहली उनको खुद बोलते हैं ताकि उन फिटनेस पे उनके जितना ध्यान देते हैं, वो भी विराट कोहली के साथ साथ रहते हैं, वो विराट कोहली मतलब विराट कोहली उनको बहुत अच्छा मानते हैं, विराट कोहली से भी अनुभव लेते हैं। हाँ, वो सबसे मतलब उनके फेवरेट खिलाड़ी बन जाते हैं, एक लोग रहते हैं ना, तो वो उनको अपना काम पता रहता है कैसे करना। वो हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, हाँ ये चीज़ मैं कर लूँगा, तो उस चीज़ को वो करना पूरी अपने जी जान लगा देता करने के लिए, चाहे उसमें कितना भी चोट लगे या कुछ लगे ये नहीं सोचता है, वो अपने देश के लिए खेलता है, अपना क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के जैसा खेलता है, जो दिन में और कहाँ कूदते हैं क्या करते हैं उसमें कुछ नहीं पता चलता है, चाहे यहाँ हो या बॉर्डर पे हो या कहीं पे भी हो, चाहे हो चाहे इंग्लैंड में, यहाँ स्टेडियम में कुछ बात ही अलग होता है। हाँ, तो और पूछना चाहेंगे जैसे कि अभी तो आप आए हैं बोलो, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और अपना नाम बता दीजिए कुछ? जी भैया, मेरा नाम है कमलेश निषाद, मेरे साथ में 3-4 लोग आए यहाँ पे देखने बोले के लिए। आज हम लोग बोलबम के लिए 12-13 दिन का हम लोग का टूर रहता है, तो हम लोग को कलकत्ता घूमने का था, तो बोले थे ताकि स्टेडियम देखने को मिलेगा, कोई बोला था कि अंदर नहीं जाने पाएंगे, एक बार आए थे तो सवेरे टाइम में तो बोले भैया सर बोले था कि नहीं अंदर अलाउ नहीं जाना, फिर आए रिक्वेस्ट किया तो बोले था कि जाओ 5 मिनट में चले आना देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले सर हम गोरखपुर के हैं, गोरखपुर। हाँ, यूपी गोरखपुर, यूपी गोरखपुर। हाँ, हमें छपरा बिहार से रहने वाले हैं। हाँ, तो चलिए फिर मिलेंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर।